हज यात्रेसाठी केंद्र सरकारच्या वतीनं दिलं जाणारं अनुदान बंद करण्याचा निर्णय केंद्रानं घेतलाय. जगभरातील मुस्लिमांसाठी हज हे श्रद्धास्थान असून या हज यात्रेसाठी दिलं जाणारं 700 कोटींचं अनुदान बंद करण्यात आलंय. सुप्रीम कोर्टानं 2012 टप्प्याटप्प्यानं हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याचे सरकारला निर्देश दिलेले होते आणि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी हज यात्रेसाठी दिलं जाणारं अनुदान बंद केल्याची घोषणा आज केली. सम्मान के साथ सशक्तिकरण, बिना तुष्टिकरण के सशक्तिकरण के पक्ष में है. डेवलपमेंट विद डिग्निटी के हम पक्ष में रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ हम काम करते रहे हैं. हज सब्सिडी 2018 के हज के बाद नहीं रहेगी, 2018 में के हज में नहीं रहेगी. और इस बार जो है वो खुशी की बात है कि आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा हज यात्री 1,75,000 हज यात्री हज करने के लिए जाएंगे. जो हज सब्सिडी थी, उस हज सब्सिडी का जो समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा, खासतौर से लड़कियों, बच्चियों के, लड़कों, महिलाओं के शैक्षणिक, एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो है वो जो शिक्षा के क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ है समाज, उस शिक्षा के क्षेत्र में उसको बराबरी का एहसास कराया जा सके, उसका सशक्तिकरण कराया जा सके. और इसलिए जो है वो हज सब्सिडी खत्म कर दी गई. जब हम डेवलपमेंट विद डिग्निटी कहते हैं तो फिर हज विद डिग्निटी भी होना चाहिए. इसलिए जो है वो सब्सिडी जो है वो किसी मुसलमानों का कोई फायदा नहीं होता था, वो कुछ एजेंसियों का फायदा उससे होता था. हमने उसके लिए जो है वो बहुत बहुत सार्थक व्यवस्था की है. हमने एम्बार्केशन पॉइंट के भी कई जो है वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहां से सस्ते दर से भी हज यात्रा पर लोग जा सकते हैं. साथ ही साथ जो है वो आने वाले दिनों में हम पानी के जहाज से भी हज यात्रा शुरू कराएंगे. हज अनुदानाचा इतिहास पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून. जगभरातील मुस्लिमांसाठी हज हे श्रद्धास्थान असून भारतातील हजारो मुस्लिम या यात्रेसाठी जातात. 2012 सुप्रीम कोर्टानं टप्प्याटप्प्यानं हज अनुदान बंद करण्याचे आदेश सरकारला दिलेले होते. केंद्र सरकारच्या हज धोरणाचा मसुदा ऑक्टोबरमध्ये सादर करण्यात आलेला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार अफजल अमनुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील 4 सदस्य समितीनं हा मसुदा तयार केलेला होता. समितीनं सुद्धा हज यात्रेसाठी दिलं जाणारं अनुदान बंद करण्याची शिफारस केलेलीच होती. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी हज यात्रेसाठी दिलं जाणारं अनुदान बंद केल्याची घोषणा केली. आणि अशा पद्धतीनं हे हज अनुदान बंद करण्यात आलेलं आहे.